Hello students and welcome to AKSH ACADEMY for chemistry. वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं जो कि है how to prepare for exams in the next 10 days for the subject of obviously what chemistry. अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत बच्चे टेंस होते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें, खासकर जब एग्जाम्स पास होते हैं. तो इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स जिसमें आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं बहुत कम दिनों में. ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. अब बात करें आपके थ्योरी पेपर की, तो 70 में से जो आपके 28 मार्क्स होते हैं दे आर अलॉटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 19 मार्क्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लेफ्ट 23 मार्क्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा पोर्शन किसमें से आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से. तो इसको तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो स्टेप वाइज कर देखेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करना है. शुरू करने से पहले एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यू डोंट हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस. बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं केमिस्ट्री बहुत ईजिली सॉल्व कर लूंगा. ठीक है, जितने क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी होंगे. ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल बहुत ही ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं. सबसे पहला आता है आपका आयुपैक नॉमेनक्लेचर, जो आपकी आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आप एक बार 11th की बुक उठा लो, इट विल टेक 2 or 3 hours, जो आपका पूरा आपका नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आ जाएगा. ठीक है, उसके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे. तो ये आपके हो गए कैसे नंबर, फ्री के नंबर. दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नेम रिएक्शन से, जो कि है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है, इससे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो 3 तरीके से पूछ सकते हैं. एक तो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, नेम रिएक्शन बता दो, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो एंड राइट द डायरेक्ट रिएक्शन. ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे इसको पूछा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन या कंप्लीट द रिएक्शन. ठीक है, तीसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है आपसे, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन. कैसे, आपको एक कंपाउंड ए दे दिया, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू कंपाउंड बी एंड इसमें कोई नेम रिएक्शन यूज हो रही होती है. अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कि आपको याद करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आपके क्वेश्चन पेपर्स में वो पिछले ईयर के रिपीट होते रहते हैं. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो कि आपको करनी ही करनी है. अगर आपके पास टाइम कम है या आपने नेम रिएक्शंस बिल्कुल भी टच नहीं करी है तो आप सिर्फ इन रिएक्शंस को करके जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट लर्न ऑल नेम रिएक्शंस, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना है. ठीक है, पहला रिएक्शन आ जाता है वुल्फ किशनर या क्लेमेंशन्स रिडक्शन, दूसरा इटार्ड रिएक्शन, रोजनवंड रिडक्शन, एल्डोल या कैनिजारो रिएक्शन, आइडोफोम रिएक्शन, हेल्म-वोल्हार्ट ज़ेलिंस्की रिएक्शन, रिमर-टीमन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सैंडमेयर स्कोलबेस कपलिंग रिएक्शन. ये सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड. बात करें कन्वर्जन्स की, तो कन्वर्जन रिएक्शंस आप तभी कर सकते हो जब आपको सारे नेम रिएक्शंस अलोंग विद ऑल दी अदर रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो. याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, सारी रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना इज द ओनली सॉल्यूशन. अगर आपको याद नहीं हो रही है आप स्कोर लिखो, बार बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, फिर भी अगर याद नहीं होती है तो यू कैन वॉट यू कैन डू इज आप अपने कमरे की दीवारों पर चिपका दो लिख के और दिन रात उसको देखो.
जब तक आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगे आपसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे, प्लीज कीप इन माइंड। इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग विद हाउ या व्हाई। इसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ना है, जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे डिस्टिंक्शन टेस्ट, जिसमें क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है क्या, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना, चाहे वो अल्कोहल्स हो चाहे वो अल्काइल हैलाइड्स हो, व्हाटएवर। इस टाइप के आपके डिस्टिंग्विशन टेस्ट आते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है, आपकी बिल्कुल केमिस्ट्री में प्रिपरेशन नहीं है या बहुत कम प्रिपरेशन है, उस केस में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल डू और डाई टॉपिक्स हैं, इनको तो करना ही करना है। ये वाले जो है हमेशा इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आ जाता है वो आपका आ जाता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। इसमें SN1 SN2 रिएक्शन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कीप इन माइंड कि इसमें से हर साल क्वेश्चन हमेशा आया है। कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस, इसको ऑर्डर क्या है, ठीक है, या फिर इसके रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह की है, उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आपका रिएक्शन रिलेटेड हो चाहे आपका रीजनिंग क्वेश्चन हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें से आपको कंप्लीट द रिएक्शन रीजनिंग किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन सम ए अल्कोहल, से यू आर गिवन ये आपको अल्कोहल गिवन है, इसका आपने रिएक्शन करवाया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किसी भी कंपाउंड से वाटर निकाल लेते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं वाटर निकालने के, आपका OH यहाँ पर है, ठीक है। H आप इस साइड से भी निकाल सकते हो और इस साइड से भी निकाल सकते हो, लेकिन सेज़र के अकॉर्डिंग जो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है मेजर, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है। जैसे कि इस केस में आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाले में इस वाले कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर आ जाता है वो है आपका अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, जिसमें चार टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या चार टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि है एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, जो H+ का साइन ऊपर आता है वैसे रिएक्शंस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, अब ये जो है ये कॉमन टॉपिक है, चारों चैप्टर्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेंशन जरूर होता है, तो जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे उसके सारे रिएक्शंस लर्न कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड चैप्टर जो आता है वो है आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट, राइट, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत आसान रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं अगर आपको उसमें से एक भी समझ आ गई तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। चौथा चैप्टर है आपका अमीन्स, जिसमें से ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ऑर्डर पूछा भी जा सकता है या ऑर्डर को एक्सप्लेन करना भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि आपका डिस्टिंग्विशन टेस्ट है बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। इसके बाद आता है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, अमीन्स का नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और कन्वर्जन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। चौथा चीज है जो है आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स, जिसमें क्या आती है उसकी प्रिपरेशन और उसके सारे
रिएक्शंस काफी आसान टॉपिक हैं ये भी एंड वेल स्कोरिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की व्हिच अगेन कंसिस्ट्स ऑफ लॉट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, इसमें अगर आपको रिएक्शंस याद हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हैं तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे जिनको करके भी आप बहुत अच्छा इनऑर्गेनिक में स्कोर कर सकते हो. ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज अ कंप्लीट प्रोसेस. इसमें जितने रिएक्शंस हैं आपको अच्छे से लर्न करने. दूसरा टॉपिक आता है आपके जो ब्लॉक्स आते हैं पीडी एंड एफ ब्लॉक. इसमें आता है आपका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपका रेडियाई का ऑर्डर या रेडियस का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें आपको डायरेक्ट ऑर्डर पूछ सकते हैं. ठीक है, अरेंज करने को आ सकता है या रीजनिंग के फॉर्म में आ सकते हैं आपको ये क्वेश्चंस में. तीसरी चीज है आपकी स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी आपको एसिड्स दे रखे हैं, ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं, जितने भी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आपको अवेलेबल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो जरूर जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. चौथी चीज आपकी आती है एक्सेप्शंस. ये एक्सेप्शंस जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है. आप नॉर्मल रूल याद करो ना करो लेकिन एक्सेप्शंस आपको याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली सिर्फ एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जहां आपको लगे कि ये दिस इज एक्स वाई जी आपका स्टेटमेंट, ये इसका ऑर्डर है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है तो वो चीज आपको पढ़नी है और लर्न करनी है, याद रखनी है, क्वेश्चन इसमें से आए. लास्ट पर नॉट द लीस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इट कंसिस्ट ऑफ योर 23 मार्क्स जिसमें से 10 टू 15 मार्क्स के जो आते हैं आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स की वजह से जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, इसका फुल मार्क्स अटेंड कर सकते हो. कैसे? बहुत एक सिंपल सी चीज है, फॉर्मूले याद करके. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जितने भी चारों प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है. नास्ट इक्वेशन, रावल्स लॉ, कोलरॉज लॉ, डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड गोल्ड लॉ. ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके फॉर्मूले सबसे पहले तो याद होने चाहिए. बात करें आपकी फाइनल प्रिपरेशन की, जो आपको 4 दिन की प्रिपरेशन लीव मिली है आपने केमिस्ट्री के एग्जाम में, उनमें क्या क्या कैसे कैसे करना है वो बहुत जरूरी है ध्यान रखना. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बाय एनी हो करनी है. पहली चीज ये है कि जितने भी आपने पहले मेहनत इन रिएक्शंस पे करी है, जितने भी रिएक्शंस आपने याद करी है या रट्टा लगाया है, क्योंकि एंड मोमेंट की तैयारी है तो डेप्थ में तो जाना इम्पॉसिबल है, तो आपने सिर्फ इन रिएक्शंस को एक बार ही पढ़ा है या लर्न किया है, इन शॉर्ट रट्टा लगाया है, तो इन रिएक्शंस की रिवीजन बहुत जरूरी है. इसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ जा सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का यही एक एम है, ये देखना कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, जिसके लिए 1 या 2 पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत होती है इतना. ठीक है, इसके बाद आप अपने जितने भी पेपर्स आपने प्रिंट्स निकाले हैं उसके, चाहे पिछले 10 साल के निकाले हैं चाहे पिछले 6 साल के निकाले हैं, उन सबके क्वेश्चन को आपने देखना है कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, आपको आते हैं या नहीं. तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. न्यूमेरिकल्स करने से फायदा ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपको ये पेपर में इतना पोर्शन आपका पक्का हो गया, आपको आता है. ठीक है, इसके बाद जब आप रिएक्शन या आप अपने रीजनिंग पार्ट पे आते हैं, उसमें अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको भूल रहे हैं, आप वापस अपने रिविजन की तरफ जाकर फिर से उन क्वेश्चन को देखकर आप इस तरीके से बैक एंड फोर्थ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं. Thank you so much for watching my video and all the best for your exams.